नर्सिंग संवर्ग की जायज वित्तीय एवं गैर वित्तीय समस्याओं का समाधान नहीं होने से राज्य भर में नर्सिंग कर्मी आंदोलन की राह पर उतर चुके हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघ समिति के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने शुक्रवार से ध्यान आकर्षण आंदोलन शुरू किया। ध्यान आकर्षण आंदोलन का आगाज शुक्रवार को ज्ञापन सौंप कर किया गया। साथ ही नर्सिंग कर्मियों ने मांगे नहीं माने जाने पर राज्य भर में प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी। नर्सिंग संवर्ग की जायज वित्तीय और गैर वित्तीय समस्याओं का समाधान नहीं होने से राज्य भर में नर्सिंग कर्मी आंदोलन की राह पर उतर चुके हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने शुक्रवार से ध्यान आकर्षण आंदोलन शुरू किया। ध्यान आकर्षण आंदोलन का आगाज शुक्रवार को ज्ञापन सौंप कर किया गया। साथ ही नर्सिंग कर्मियों ने मांगे नहीं माने जाने पर राज्य भर में प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी। जिला नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक अचलाराम बेनीवाल, तुलसाराम चौधरी, मंगलाराम विश्नोई और संतोष सारण ने बताया कि विगत दिनों राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश में 47 दिन चले आंदोलन में नर्सेज द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन, 2 घंटे कार्य बहिष्कार, जयपुर प्रांतीय महारैली और आमरण अनशन जैसे कदमों को देखते हुए 1 सितंबर को जयपुर में विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा के साथ प्रांतीय कमेटी की वार्ता में मांगों पर सहमति बनने पर नर्सेज ने सरकार पर विश्वास जताकर आंदोलन और 5 सितंबर को प्रस्तावित राज्यव्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया था। वार्ता के बाद निदेशक राजपत्रित एवं निदेशक अराजपत्रित ने धरनास्थल पहुंचकर अनशन तुड़वाते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देशानुसार एक कमेटी का गठन कर 15 दिन में सहमति सिद्ध वित्तीय एवं गैर वित्तीय मांगों पर राजादेश जारी करने का आश्वासन दिया था, जिस पर प्रांतीय कमेटी ने 15 दिन आंदोलन स्थगित कर दिया था। परंतु कमेटी द्वारा अपनी सिफारिशें विभाग को सौंप देने और 27 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा सहमति सिद्ध मांगों पर कोई निर्णायक आदेश नहीं करने से नर्सेज कर्मियों में घोर आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। हम सब नर्सेज समुदाय से आते हैं। पिछले 2 महीने से अधिक वक्त तक हमने संघर्ष किया और फिर एक बहुत बड़ी रैली 25 अगस्त को हमने जयपुर में आयोजित की थी, जो आज तक की ऐतिहासिक रैली थी। और हमने 11 सूत्री मांगों का जो सरकार को ज्ञापन सौंपा था, उस पर सरकार ने हमारी एक मांग को पूरा किया और बाकी के लिए कमेटी बना के हमको कहा कि 15 दिन के अंदर हम आपकी मांगें सारी मान लेंगे और उसके बाद आप इसका अगला स्टेप लें, अगला निर्णय लें। तो सरकार ने पूरी तरह से वादा खिलाफी की, हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की और हमारी हड़ताल को तोड़ने की कोशिश की गई। इसलिए आज हम फिर से अपने ज्ञापन के द्वारा मुख्यमंत्री साहब के नाम ज्ञापन देंगे। जिला सह संयोजक सोहन चौधरी, लाखाराम मूड और मोहनलाल कोड़ेशा ने बताया कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को दोपहर 12:30 पर जिले भर के नर्सेज जिला अस्पताल के पुलिस चौकी के पास वाले गेट पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए वादा निभाओ दिवस मनाते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नर्सेज की जायज मांगों पर ध्यान दिलाते हुए विभागीय अधिकारियों की वादा खिलाफी से सरकार को अवगत करवाया गया। इसी कड़ी में 2 अक्टूबर को बाड़मेर जिले में भी विभिन्न चिकित्सा संस्थानों पर नर्सेज एक दिन का उपवास रखते हुए अनशन के माध्यम से सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध ध्यान दिलाएंगे और इसके बावजूद भी सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो नर्सेज मजबूरन आंदोलन को तीव्र करने को विवश होंगे।